नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है उसके मायने क्या है। बीजेपी ने न सिर्फ 15 साल बाद सत्ता में वापसी की बल्कि 37 साल बाद ऐसा हुआ जब यूपी में किसी पार्टी को 300 प्लस सीटें मिली हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की ऐतिहासिक जीत नई राजनीतिक सोच और नई तरह के वोटरों के संकेत है। क्या लोगों ने जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अब बड़े कैनवास और नए आइडियाज को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। क्या लोगों ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटने वालों को नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात, क्या पीएम मोदी बदलते भारत को ब्रांड एम्बेसडर उसके बन चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि मोदी के दम के आगे सारे विरोधी बेदम हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के बाद तीन बातें साफ हो गईं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरी, मुसलमानों के बावजूद भी प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है। और तीसरी, जाति और धर्म अभी भी प्रभावी हैं। भाजपा की जीत में हमेशा की तरह मुसलमान वोट का बटना भी सहायक रहा। गौर करें तो इस चुनाव में ध्रुवीकरण तीन तरह से दिखा, सांप्रदायिक, जातिगत और आर्थिक। अपने सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी। एक बात विपक्षी भी मानते हैं कि मोदी जैसा वक्ता इस वक्त कोई नहीं है। नोटबंदी को विपक्ष चाहकर भी मुद्दा नहीं बना पाया बल्कि इससे लोग बीजेपी के करीब आ गए। वहीं अखिलेश ने लाख कोशिश की कि चुनाव में ध्रुवीकरण ना हो और चुनाव घसीटकर विकास के मुद्दे पर ले जाएं, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। अब भी उत्तर प्रदेश के लोगों के डीएनए में जाति और धर्म हावी है। अखिलेश के लिए सबसे कमजोर कड़ी खराब कानून व्यवस्था साबित हुई। इसके साथ ही एकला चलो की रणनीति पर काम करते हुए बीएसपी ने सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। मायावती ने खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला और सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम को दिए। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई। दलितों में गैर जाटव परंपरागत वोट का साथ छोड़ना ओबीसी उनकी तरफ नहीं आया। मौर्य, शाक्य और सैनी जैसी कई जातियां सौम्य प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं को पार्टी से बाहर करने से हट गई। सर्वण खासकर ब्राह्मण इस बार करीब नहीं फटके। इसके अलावा मायावती के सबसे मजबूत पक्ष बेहतर कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया जब मुख्तार अंसारी को शामिल कर लिया गया। कांग्रेस को देखें तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ना ही जमीन और ना ही वोट। सीटें भले कम हो गई हो लेकिन कांग्रेस दशकों बाद इस चुनाव में छाई रही। कारण रहा सपा से गठबंधन का। लखनऊ में कहावत है कि कांग्रेस के पास प्रदेश में नेता ज्यादा और कार्यकर्ता कम है। हालत ये रही कि 105 सीटों पर लड़ने लायक उम्मीदवार भी नहीं मिले और सपा से उधार लेने पड़े। जब कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं था तो हार का गम भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। मोदी का दम और विरोधी बेदम, बड़ी बहस का यही मुद्दा है जहां पर हमने तमाम सारी पार्टियों के लोगों को बुलाया है, प्रवक्ताओं को, और आज कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह रही। सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से तारिक अहमद लारी जी हैं। तारिक जी बहुत बहुत स्वागत है। और बीएसपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश उमेद जी हमारे साथ जुड़ गए। उमेद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ लाइव टुडे के न्यूज रूम से हमारे साथ रामेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए जिनसे बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। रामेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामेश्वर जी पहला सवाल आज आपसे ही, क्या बीजेपी की ऐतिहासिक जीत एक नई राजनीतिक सोच और नए तरह के वोटरों के संकेत हैं, ये मानते हैं आप? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं कहूँगा कि गुणात्मक बदलाव हुआ है।
ये सपा कांग्रेस और मायावती जी देख नहीं पा रही थी। मैंने बार बार कहा हो आपके यहाँ इसका रिकॉर्ड भी है कि 5% बढ़े मत प्रतिशत और करीब 1 करोड़ युवा मतदाता ये नए तरह से सोचने की अभ्यस्त हैं, नए तरह से सोचते हैं। और मैंने कई बार कहा कि माया बहुत सारे मिथ इस बार टूटने जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा मिथ जो मायावती का अहंकार था कि दलित वोट तो कहीं जाएगा नहीं, ट्रांसफरेबल है, उसका चाहे जितना सौदा कर लो। मैंने कई बार कहा आपके यहाँ कि पिछले 10 वर्षों में मैं पूरब में भी घूम के आया था, पश्चिम में भी, कि जो पिछले 10 वर्षों में दलित समुदाय के जो लड़के पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन में हैं, उससे ऊपर हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, वो देख रहे थे कि 95% वो सामने आ रहे हैं उनकी नुमाइंदगी करने जो घोषित तौर पर दलित उत्पीड़क हैं। और वो नौजवान लड़के अपने यहाँ ओपिनियन मेकर्स हैं। दूसरे अखिलेश का अहंकार, जिस तरह अखिलेश ने जो सपा का आधार था और जो 25 साल से 30 साल से जो लोग सपा के साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे या मुलायम सिंह से जुड़े हुए थे, सबको उन्होंने बाहर कर दिया और ये मान लिया कि ब्रांड अखिलेश चलेगा और काम बोलता है। यूटोपिया में रह रहे थे, उनको अधिकारियों ने, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने इतना उन्हें भटकाया जमीन पर, क्या सिर्फ मेट्रो। और मैं आज नहीं कह रहा हूँ ये, मैं कई बार आपके यहाँ कह चुका हूँ कि मेट्रो और आगरा हाईवे आधा अधूरा दिखा कर काम नहीं बोलेगा। आप जाइए तो और सड़कों का देख लीजिए, 6 महीने में सड़कें टूट जाती हैं। चलिए विकास को लेकर के अब आगे की बात करेंगे। मैं तारिक जी से एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं सबके साथ। कांग्रेस के साथ भी यही बात थी। कांग्रेस ने जब सपा का साथ दिया तो जो अपर क्लास के लोग थे वो क्या कहेंगे, वो कह रहे थे कि हम यादव राज के लिए फिर वोट दे रहे कांग्रेस का, जो जुड़े हुए थे कांग्रेस के आधार पर। तो एक तरह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जो बड़ा संकेत है वो ये कि मुस्लिम वोट बैंक और एक वोट बैंक के पीछे भागना, यह युग खत्म होने जा रहा है। दूसरा, सिर्फ जातिगत आधार और उस वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। बिल्कुल, अब ये साफ तौर पर कि वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। तारिक जी, जिस तरीके से रामेश्वर जी ने भी कहा, जो हार के बहुत सारे कारण बताए, लेकिन शिवपाल यादव ने भी कहा ये पार्टी की हार नहीं है, ये घमंड और अहंकार की ये हार हुई है, ये समझ इतने, यानी कि वो भी अब यही बात कह रहे हैं, वो तो पार्टी में रह करके कह रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा आप लोग भी उनको बहुत बेहतर जानते हैं, मुख्यमंत्री जी को, कि घमंड नाम की चीज तो कभी उन्होंने अपने आसपास फटकने नहीं दी। हो सकता है उनके साथ के कुछ लोग हो रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी घमंड अपने अंदर आने भी नहीं दिया, पैदा भी नहीं होने दिया। अब रही जाति समीकरण और ये सब बातें वो कह रहे हैं, तो जाति समीकरण तो और धर्म के आधार पर वोट तो अमेरिका में चल रहा है, तो ये हिंदुस्तान है जहाँ पे आजादी नहीं, आदि युग से जाति के आधार पर ही राजा भी राज करता रहा है और प्रजा अपने राजा को राज कराती रही है। अब यहां पे नई चीज आई है धर्म। धर्म के आधार पे भी सब कुछ होता है और होता रहेगा जब तक कुछ लोग मौजूद हैं जो धर्म के आधार पर ही वोट मांगेंगे, एक धर्म को बिल्कुल सिरे से नकार देंगे, एक धर्म के लोगों को सिरे से नकार देंगे, एक टिकट नहीं देंगे और फिर कहें कि हम तो सबका विकास सबका साथ चाहते हैं। ये बात अलग है कि इस बार इनको मिल गया है और इन्हीं का खुद का कहना, इन्हीं के कई लीडरों से मेरी बात हुई कि बीजेपी को मुसलमानों ने भी वोट दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों ने वोट दिया, तो क्या मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं कि ये अब कुछ करेंगे या जैसे, बिल्कुल अब सवाल बीजेपी के सामने भी है क्योंकि 2019 के सामने बहुत सवाल आ गया है, सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा नहीं जनता की लक्ष्य की बात अलग हो गई भाई, लक्ष्य अलग हो गया, लेकिन प्रेजेंटली दे हैव टू डू दोस थिंग्स जिसमें पब्लिक का फायदा हो, माइनॉरिटी अपने आप को सिक्योर महसूस करे। हमसे लखनऊ हो चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, वहां के कई मुसलमान कह रहे हैं हम लोग का क्या होगा, वहां का जो होता रहा वही होगा,
जो होता रहा वही होगा। पहले तो सिक्योरिटी तो ये बात पहले की सरकार में कभी किसी मुसलमान ने नहीं की किया। फिलहाल कंजर्वेटिव की जो बात आ रही है वो चीज अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। उमेश जी, आज जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहे, सभी पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी तरीके से बात रख रहे हैं, कहीं अब अफसोस तो नहीं हो रहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर के, जिस तरीके से कौमी एकता दल के साथ विलय किया, या टिकट बंटवारे को लेकर के जो मुस्लिमों को टिकट दिया और उसका जीत का जो सारा सारा गया टिकट इधर दिया, फायदा इधर हुआ बीजेपी को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सिंह रावल जी बैठे हैं, मैं इनको इनकी जीत का बधाई देता हूं, और जो जनता ने जो दिया है जनाधार उसका मैं स्वागत करता हूं। वो देखिए ऐसा नहीं है, और जो सत्यता है वो ये है कि अगर आज यहाँ पे जिस तरह से लोगों का अपना पब्लिक का एक रुझान था, बसपा और सपा को सम्मान देती रही पब्लिक जनता ने आज 15 सालों से, और उनका एक बदलाव में उनका विश्वास बढ़ा, अगर ये कहेंगे कि किसी तरह से जिस तरह से कि काम के ऊपर मिल गया भाजपा को, या उनके किसी ऐसा का 3 साल में कुछ किए हो उसके नाम पे मिल गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो आप क्या फैक्टर मानते हैं किसके नाम पर मिल गया? देखिए अगर केवल बदलाव, तो जनता का बदलाव, आप देखिए जिस तरह से आज वहां पे इनकी सरकार थी गोवा में, और स्ट्रीक ऑपरेशन किए, रक्षा मंत्री जो है पारिकर जी थे और पूर्व मंत्री थे, वहां के मुख्यमंत्री थे, आज उन्हीं के नाम पे फिर चुनाव लड़ा गया था। अगर ये उनके नाम पे होता तो पंजाब नहीं हारते, वहां उनकी सरकार थी। इसका कारण यह है कि जो जहां सरकार थी, यहां जब इन्होंने घोषणा किया कि मुझे उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया, तो बाकी जगह इनको नुकसान उठाना पड़ा, और यहां ये दूध घी और उसके दही के नदियां बहाने लगे, पूरे कर्जा मुक्त उत्तर प्रदेश किसानों को करने लगे। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे पहला चांस था, और उनका इशारा था कि मैंने काम कर रहा हूँ और खाता खुलवा दिया हूँ, तो लोगों को भरोसा रहा कि 15 लाख भी आ रहा है, लेकिन लोगों का तो कहीं ना कहीं विश्वास जीता। चलिए मैं नरेंद्र जी के पास आता हूँ। नरेंद्र जी, क्या लोगों ने जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अब बड़े कैनवास पर नए आइडियाज को तवज्जो देना शुरू कर दिया है? क्या लग रहा है इस जीत के बाद? देखिए, भारत बदल चुका है, और जो लोग इनको नहीं देखना चाहते तो वो ना देखें। 2014 में जब चुनाव हुआ था, हम बार बार आपके चैनल पे भी कई बार डिबेट हुई जी जी, तो 2014 में यही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, यही समाजवादी पार्टी थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और तब यहाँ पर 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने चुना था। उनको अगर हम विधानसभा से गुणा करते हैं तो आलोक जी 337 सीटें होती हैं, यानी 12 सीटें हमारी कम होती। तो उस समय यदि मैं यूँ कहूँ कि पत्थर से जब आदमी को ठोकर लगती है तो कुछ सबक लेना चाहिए, और फिर ना कोई सबक ले तो पत्थर ने तो अपना काम कर दिया था ना। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 73 सांसद दिए, तो फिर भी आपने सोचा कि नहीं, ये तो जनता ने जो है साहब उनके वादों में आ गए। अरे भाई, जनता आपके वादों में क्यों नहीं आ जाती है? जनता इससे पहले हमारे वादे में क्यों नहीं आ गई? इससे पहले भी तो हम चुनाव लड़े हैं ना, 7 में भी लड़े, 12 में भी लड़े, 14 में लड़े, फिर 17 में लड़े। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं है, ये शरीर लगता है कि 2 हाथ पैर का आदमी है, लेकिन ये एक सीधे सीधे आपका ये ईमानदारी की और कर्तव्य निष्ठा की एक परिभाषा है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जिस तरीके से बात करी, व्यक्ति और व्यक्तित्व की भी बात करी, तो मैं तारिक साहब के पास आऊंगा। तारिक जी, अखिलेश यादव का भी एक अपना व्यक्तित्व है, बिल्कुल बेदाग उनकी छवि है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है काम बोलता है। उन्होंने नारा दिया, लगातार जो काम दिखा है, लेकिन अगर काम को लेकर के बात करें तो सारा का सारा अर्बन एरिया में काम दिखा, रूरल एरिया के जो लोग थे वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं विकास की बात जो रहे थे, ये बात मानते हैं आप क्या? मैं सबसे पहले राणा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कम से कम हमें 40 सीट इन्होंने मेहरबानी करके दे तो दी, 54 सीट हम लोग कुछ बैठे हुए हैं। क्या बिल्कुल आप लोग उम्मीद खोए बैठे थे काम पे? बिल्कुल इन्होंने दे दी, मेहरबानी है भाई, हम इनको मेहरबानी देंगे, हम पब्लिक को नहीं, हम इनकी मेहरबानी और इनके नेता आदरणीय मोदी जी की को मेहरबानी के शुक्रिया अदा करेंगे। नहीं, क्यों इनका शुक्रिया क्यों अदा करेंगे? आपका भी तो काम बोलता है, प्रचार में वो भी करें, आपने भी प्रचार, नहीं क्यों, आपको क्यों लग रहा है, क्यों दे रहे हैं आप?
नहीं, इन्होंने कहा ना कि ऐसे तो हमारी 337 सीटें आनी चाहिए थी, हम कह रहे भाई नहीं ऐसे तो आपके अभी 300 प्लस हर कोई आता था, वो यही कहता था कि 300 प्लस आएगी गठबंधन, आपके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि वैसे तो हमें काम पे भरोसा है लेकिन अगर गठबंधन होगा तो 300 प्लस आएंगी सीटें, ये खुद कहा था मुख्यमंत्री जी ने, तो आप इनको शुक्रिया मत कहिए। शुक्रिया तभी हम अदा कर रहे हैं कि इनकी मेहरबानी से हम लोग कांग्रेचुलेट कर सकते हैं 60-70 सीटें, नहीं मुबारकबाद तो दे ही चुके पहले, मुबारकबाद तो इनको भी और इनके साथियों को भी दे चुके हैं जो पहले बैठ चुके और चैनल्स में भी बैठे हैं, लेकिन अब हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम हमको इन्होंने इतनी सीटें दे दी, यहाँ पे ऑपोजिशन भी थोड़ा खड़ा किया इन्होंने दिल्ली में, तो वो भी नहीं खड़ा करने दिया था, यानी कि मेहरबानी रही इन लोग की, बहुत अल्लाह का शुक्र कहें कि इनके पता नहीं दिल में शायद रहम आ गया था कि हम लोग को कुछ दे दिया। तो तारिक जी क्या बिल्कुल आपको यकीन नहीं था कि इतनी भी सीटें नहीं आ पाएंगी क्या, ये तो इस बात का तो यही मतलब हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि मेहरबानी रही इनकी कि हमको इतनी सीटें इन्होंने दे दी है, आप समझ नहीं पा रहे बात को, आप समझ के जब नकारना चाहते हैं तो बात दूसरी है। चलिए रामेश्वर जी, आपने जिस तरीके से तारिक साहब की भी बात सुनी, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को लगता है गठबंधन के बावजूद भी इतनी सीटें मिलने की नहीं उम्मीद थी, इससे भी कम लगता है क्योंकि वो नरेंद्र जी का थैंक्स कह रहे हैं। देखिए वो ये वही संकेत बार बार दे रहे जो मायावती जी ने पहले दिन आरोप लगाया कि 40 सीटें छोड़ दिया वरना ईवीएम उसमें भी गड़बड़ी कर सकता था। देखिए ये इस तरह की बातें अभी भी ये लोग अपने अंदर झांक कर देखने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर्स आइडेंटिफिकेशन उसका भी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि हैक नहीं किया जा सकता और इसको बहुत सारे वैज्ञानिक या इस समय इस पर बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर जरूर बहस होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर विचार हो। आडवाणी जी भी कह चुके हैं, इनके राव भी कह चुके हैं, लेकिन आज ये कह रहे हैं तो विपक्ष ने, मैं कहूँगा कि धार्मिक पोलराइजेशन भी हुआ, लेकिन धार्मिक पोलराइजेशन भाजपा ज्यादा मायावती ने किया, बार बार मुस्लिमों को संबोधित करके कि मुस्लिम आपका वोट बिगड़ जाएगा, आपका वोट बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। इसी तरह विपक्ष ने जितनी नकारात्मक प्रचार किया, भाजपा अपने काम के बदौलत नहीं जीती है जी। लेकिन 2014 में जो भाजपा को 71-73 सीटें मिली समर्थकों सही गठबंधन के साथ, वो उम्मीदों का वोट था और मोदी से लोगों को उम्मीदें थी, वो उम्मीदों का वोट यह भी है, भाजपा के काम के आधार पर नहीं है। क्योंकि मैंने आपके यहाँ कहा है कि विलेन भाजपा भी है, विलेन सपा भी है, बुंदेलखंड में विलेन है और पूर्वांचल में भी, लेकिन पोलराइजेशन का वोट भी है। पोलराइज किसने किया, भाजपा ने किया या सपा ने और बसपा ने ज्यादा, सब जानने की ध्रुवीकरण भी किसने किया और सीधा सीधा इसका फायदा किसको मिला। उमेश जी, जिस तरीके से बीएसपी को लेकर के ही बात करें कि कौमी एकता दल का विलय हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो साफ तौर पर टिकट बंटवारे को लेकर कहीं उनसे अनबन हो गया, लेकिन मायावती को लेकर की अगर बात करें, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है राज्य की, लेकिन अभी भी वो एक जन नेता नहीं बन पाई है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना लिखा हुआ भाषण अभी भी पढ़ती हैं। क्या ऐसी कौन कौन सी ऐसी वजह जिस पर सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को? देखिए हाँ, अगर उनके बारे में बात करेंगे हाँ, तो आप ये देखिए, उन्होंने अपने ताकत पे पार्टी बनाया और सत्ता लिया, पब्लिक ने सपोर्ट किया, तभी उनको मिला, एक नहीं 3 बार बनी है ये भी आप बता रहे हैं, और आप जैसा देखे हैं जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आप ही देखिए कि जहां तक रही बार बार गया मुख्तार अंसारी जी को लेने की, ये कहीं भी हर पार्टी कहीं से कोई किसी को किसी से गुरेज नहीं है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से गोवा में कि जनता ने सत्ता रहते हुए सत्ता को से हटा दिया और उसके बाद नैतिकता के आधार पे इनको रुकना चाहिए कि भाई जो बड़ी पार्टी है वो जाए, हम नहीं है, अगर इनको बुलाया जाता तो ये जाते, लेकिन ऐसा ना करके सत्ता की इतनी बड़ी तेजी थी कि रातों रात जो है जा करके बैठने का प्रयास किए और विपक्ष चिल्लाता रह गया, बार बार ये आरोप लगाते रहे। आज देखिए वहाँ केजरीवाल भी थे पंजाब में, ये भी थे वो भी थे, लेकिन आज कांग्रेस को ही सब लोग खराब करते रहे, आज जनता ने उन्हीं को सराखों पे बैठाया। तो ये देखिए ये जनाधार जनता का है, जनता ने किस लिए, केवल एक कारण है कि जो
सपा रही, बसपा रही, सपा आई, फिर बसपा आई और फिर दोबारा जो है इनको चांस मिला। आज ये एक विकल्प मिल गई है भाजपा, और भाजपा विकल्प नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आज लोगों का थोड़ा मन बना कि उनकी तरफ से घी की नदियां बहेगी, कर्जा मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे काम बाकी हैं, 15 लाख आने बाकी हैं, तो हो सकता है कि लोकसभा से पहले 15 लाख भी मिल जाएगा, कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत के एक जननायक के रूप में उभर कर आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा जारी रखेंगे, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।